शाम ओके हेलो माय बच्चा लोग, हेलो माय लवली लिटिल एटम्स। तो जल्दी से बताओ मैम को, कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वंडरफुली वेल। आई होप ऑल ऑफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। आई होप आप पढ़ाई को भी अदरवाइज नहीं ले रहे हैं और अपना पढ़ाई अच्छे से साथ में कर रहे हैं विद नन अदर देन योर केमिस्ट्री मास्टर टीचर अनुभा मैम। ओके, आई कैन सी वन मोर पर्सन एज अनुभा इन द चैट, अनुभा शर्मा। So don't be confused, Anubha Gaur ma'am, Anubha Sharma is our student. Yeah, so let's see how's the josh. Bachalo, come on, quickly tell me. It should be high ke ma'am, एकदम एकदम सुपर रेडी है हम। आप बस शुरू कर दो सेशन को और हम दिखाएंगे दैट हम रिविजन करके भी आए हैं और हम वीडियो के आखिर तक रुकेंगे और ध्यान से आपकी बताई हुई बातों को सुनेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स, दिस सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेशन इज समथिंग दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। शुरू में ना 50 to 60% स्टूडेंट्स रियली स्ट्रगल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। तो आज ध्यान से सुनो मुझे, आखिर तक रुको, दिस इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो मैं पहले क्या करूंगी, पहले आपको पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगी। मोल क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हो मोल कॉन्सेप्ट में, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती है, क्या क्या आप निकाल सकते हो, क्या क्या कैलकुलेशन के लिए वो यूज आता है, और लास्ट में फिर हम मेंटी करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम मेंटी करेंगे। तो स्वागत है आपका क्लास में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शावर ऑल योर लव बाय हिटिंग द लाइक बटन। वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू विल नॉट मिस एनी सिंगल वीडियो अगर आप बेल आइकन को साथ में प्रेस कर लेंगे। उससे होगा क्या, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको हर क्लास का पता चलता रहेगा और 9th क्लास के सारे 6 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन एक जगह पे एक साथ हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी और क्या बच गया, बायोलॉजी, सब के सब। एंड अपने दोस्तों को भी बुला लो जल्दी से, क्योंकि शेयर करना जरूरी है। मेंटी करेंगे आखिर में, पहले टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्योंकि मेंटी इज रिलेटेड टू द सेशन। पहले सेशन को मास्टर करेंगे ताकि मेंटी में सारे क्वेश्चन मक्खन क्लियर लगे और आप आसानी से उनको अटेम्प्ट कर पाओ। यो व्हाई यू कम 5 PM माई फ्रेंड आदित्य, ये तो ना मीम बन सकता है, वायरल मीम। माई फ्रेंड इज इन कोचिंग। Why Varun? Why? Why you doing this to Aditya? Why you doing this to Aditya? तो बच्चा, उसके बाद में 6 o'clock से लेके 10 o'clock तक मेरी वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे क्लासेस होती है, इसीलिए 5 o'clock ही टाइम बचता है। आपको लगता है कोई और टाइम सूटेबल है बिफोर दैट तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऑल राइट, सो आप मैम को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। अगेन, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली आपको इंस्टा जबरदस्ती में बोल रही हूँ, डाउनलोड करो। अगर आप इंस्टा यूज करते हैं, यू कैन नो अबाउट अनुभा मैम अ लिटिल बिट बेटर। केमिस्ट्री का भी थोड़ी थोड़ी चीजें पता चलती रहेगी। सो माई आईडी इज वेदांतु अंडरस्कोर अनुभा गौर। अर्पण जी, साक्षी जी, सत्य प्रिया, थैंक यू सो मच। प्रोटॉन का मास क्या होता है अभिनंदन? 1.676 इंटू 10^-24 ग्राम। इतना छोटा, इतना कम मास होता है उसका। तो अभी है होमवर्क, जिन्होंने भी आंसर किया है उनको अप्रिशिएट करने का, क्योंकि अप्रिशिएशन तो बनता है। आप आखिर तक रुके, आपने क्वेश्चंस को सॉल्व किया तो मैम को अप्रिशिएट करना चाहिए ना, जैसे आप सब लोग हमें अप्रिशिएट करते हो वीडियो को लाइक करके, दोस्तों को सब यू नो शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका तरीका है कि पसंद आया, अप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे? जिन्होंने भी टाइमली होमवर्क का आंसर दिया, सेशन में टिके रहे, उनके लिए तालियां। एंड प्रियल हमेशा सेशन में आती है, आई एम सो हैप्पी टू सी प्रियल्स नेम, वेरी सिंसियर। फनी चैनल, फनी चैनल, व्हाट अ नेम। वी हैव अविनीश आल्सो, अविनीश वेल डन, वेल डन कविराज, वेल डन मुकुल, यू ऑल डिड सो ऑसम, अमेजिंग।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और आई स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव कोट जो मेरे दिल के बहुत करीब है, विच इज समथिंग आई डू बिलीव इन. इफ यू कैन नॉट इंजॉय द पेन ऑफ स्ट्रगल, यू विल नॉट हैव द प्राइज ऑफ सक्सेस. सक्सेस वॉन्ट कम सो ईजी. हाँ बच्चा लोग, ऐसे नहीं कि तुमने बस सोच लिया सक्सेस 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 एंड सक्सेस विल फॉलो यू. उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है. ट्रस्ट मी, लाइफ इज नॉट दैट सिंपल लाइक हाँ बस हो गया. अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है तो उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एंड हमेशा वो स्टेप्स आसान नहीं होंगे, बहुत बार बहुत मुश्किल होंगे. जिन लोगों के पास 24 घंटे होते हैं, आपको लगेगा 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं. कभी कभी इतनी मेहनत और स्ट्रगल करनी पड़ती है, बट ट्रस्ट मी दैट स्ट्रगल विल मेक यू अ बेटर पर्सन, अ स्ट्रॉन्गर पर्सन, एंड विल टेक यू मोर एंड मोर क्लोज टू योर ड्रीम, योर गोल, एंड फाइनली यू विल बी एबल टू अचीव सक्सेस. तो मैम की इस बात पे अमल करोगे ना बच्चा लोग? मैम की इस बात पे अमल करोगे ना कि हार्ड वर्क से नहीं घबराना है, स्ट्रगल करने से नहीं घबराना है, क्योंकि उसका फल मीठा होगा. यस, जी ओ टी वाई टी मेंटी जरूर होगा. ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, सेशन को शुरू करते हैं. मोर कॉन्सेप्ट के बारे में अभी के अभी सीखेंगे. मैम को हाई फाई दे दो जल्दी से, जल्दी जल्दी. ये साक्षी और क्या चल रहा है नव्या? फोकस कर लो सेशन पे. जी स्टार्ट द मेंटी फास्ट. बच्चा मेंटी आखिर में होगा, मैं पहले टॉपिक पढ़ाऊंगी सारा, उसी टॉपिक से रिलेटेड मेंटी होगा. इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिविजन टू नो कि आपको समझ आ गया. तो मेरा क्वेश्चन है, सम्यक वेरी वार्म वेलकम. मेरा क्वेश्चन ये है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को काउंट किया जा सकता है क्या? आपको पता है एटम्स मॉलिक्यूल्स इतने छोटे हैं, काउंट कर सकते हो क्या? एक उम्र तो कम पड़ जाएगी, है ना, एक उम्र कम पड़ जाएगी सच में. तो देखो, जो चीजें मैक्रो लेवल पे है, बड़ी लेवल पे, हम उनको आसानी से काउंट कर सकते हैं. एंड वी हैव सो मेनी मैथमेटिकल टूल्स फॉर द सेम. कि आपको शूज काउंट करने, आप बोलोगे वन पेयर ऑफ शू है मेरे पास फाइव पेयर ऑफ शूज है ना, कितना आसान है. बनानास को भी काउंट कर सकते हो, कैसे, डजन में. हम अपने भाई को, बहन को, या फैमिली में किसी को बोलते हैं कि मार्केट जाएगा ना, तो प्लीज एक काम करना, वन डजन बनाना लेके आना, बनाना शेक बनाएंगे, पियेंगे आराम से, है ना. तो डजन में हम बनाना को भी काउंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे ये चीज इतनी छोटी है, इसको काउंट कैसे करेंगे? अगर मैं बोलूँ ये क्यूमिन सीड्स है, तो हम काउंट कर लेते हैं केजी में, कि चलो भाई 250 ग्राम ले आना, 1 केजी जाके ले आना, हमें खाने बनाने में उसको डालना है. तो आप समझ रहे हो, हर चीज को काउंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स है, जो मैथमेटिक टूल्स हम यूज करते इवन इन साइंस. बट एटम्स को कैसे काउंट करें? एटम्स को काउंट करना इज रियली ट्रिकी. और वो ट्रिकी क्यों है? क्योंकि एटम बहुत ही छोटे होते हैं. अगर मैं एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लूं, वन ड्रॉप ऑफ वाटर दैट कंटेन 10^21 पार्टिकल, कैन यू इमेजिन दिस नंबर 10^21 पार्टिकल? 10 को 21 बार मल्टीप्लाई करो तो भैया उम्र कम पड़ जाएगी, जैसे मैंने बोला. और हमें उम्र कम नहीं पड़वानी, हमें जानना है सेकंड्स में. तो वो सेकंड्स में कैसे जानोगे? उसके लिए साइंटिस्ट ने आप लोगों की बहुत मदद की, सच में बहुत दिल से मदद की उन्होंने, लाइफ आसान बना दी है. ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे मैम मुश्किल बनाइए. नहीं, आसान बनाइए, सुनते जाओ. हमें एक बड़े नंबर की जरूरत है एटम को काउंट करने के लिए, क्योंकि जिसको, जिस नंबर से मैं आइडेंटिफाई कर पाऊं कि हाँ मेरे लिए सूटेबल है, उस नंबर को बोल पाना, उस नंबर को लिख पाना, समझ रहे हो. तो वो जो नंबर हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं मोल. क्या यूज करते हैं? मोल. अब ये इंग्लिश वर्ड भी होता है. इंग्लिश वर्ड में इस मोल का मतलब एक एनिमल मोल होता है, और हमारे बॉडी पे भी डिफरेंट डिफरेंट मोल होते हैं, मैम के भी है यहाँ पे, ठीक है. बट वो मोल इज डिफरेंट. ये कोई ग्रीक या लैटिन वर्ड से आया, जनरली वहीं से उठाते हैं, और इसका मतलब होता है हीप ऑफ समथिंग. हीप ऑफ समथिंग, अगर केमिस्ट्री में मोल को यूज करना है, तो वो हीप केमिस्ट्री में क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स, है ना. तो केमिस्ट्री के अंदर मोल क्या डिटरमाइन करता है? एक बहुत बड़ा ढेर ऑफ पार्टिकल्स. उस ढेर ऑफ पार्टिकल को आसान भाषा में बोलने के लिए हम मोल लिख देते हैं. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिडियो एवोगेड्रो. बड़ा बड़ा सा नाम था वैसे, लोरेंजो रोमानो समथिंग समथिंग एंड देन एमिडियो एवोगेड्रो.
बट हम ना इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, रशियन साइंटिस्ट के नाम को इतना ही पढ़ लेते हैं। तो एवोगैड्रो ने बोला कि ना मैंने मेजर किया है, अगर आपकी हीप ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू इतनी है 6.022 × 10³, 6.022 × 10 को लिखो 23 बार, अगर आपकी इतने पार्टिकल हैं आप उसको वन मोल लिख लो। ये उस पूरे साइंटिस्ट ने कुछ कैलकुलेशन करके निकाला था कि अगर एक लिखना है ना, देखो एक मोल लिखना कितना आसान है, वन लिख दिया आपने वन मोल, इतना आसान है याद करना भी, इतना आसान है उसे कैलकुलेशन करना भी। पर आपको कोई बोले हर बार ऐसे लिखो 6.022 × 10²³, 2 × 6.022 × 10²³, 2.5 × 6.022 × 10²³, लाइफ विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो हमें डिफिकल्ट नहीं बनानी है, हम इस मोल को यूज कर लेंगे कि जब भी हमारे पास वो जो पार्टिकल का हीप है, पार्टिकल कुड बी एटम्स, पार्टिकल कुड बी मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल कुड बी आयॉन्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो, वो हीप में अगर इतने पार्टिकल हैं वो उसको मैं वन मोल बोल दूंगी। आसान भाषा में उस वन मोल को ही हम एवोगैड्रो का नंबर बोलते हैं। ए एवोगैड्रो नंबर देना देना प्लीज। तो वो एवोगैड्रो बोलता है मेरा नंबर सबको बटेगा, ये लो ये लो ये लो ये लो, और ये एवोगैड्रो का नंबर है, इसको एवोगैड्रो का कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अनुभा एवोगैड्रो गौर नलिन, जो बीत गया उसको मेरे नाम में क्यों ऐड कर रहे हो। जनरली व्हाट हैपेंस इन के अपने नाम के साथ वी ऐड द नेम ऑफ फादर और हस्बैंड, ना तो वो मेरे पिताजी है ना मेरे वो हस्बैंड जी है, वो तो अभी है ही नहीं, तो एवोगैड्रो को बख्श दो, है ना। काउंट एंड आई फेल शुगर क्रिस्टल इन 1 kg। प्रियल मैं तुम्हारे हौसले की दाद देती हूँ बाय द वे कि तुम शुगर क्रिस्टल को काउंट कर रही हो, आई डोंट हैव दैट पेशेंस एट ऑल एट ऑल। तो एवोगैड्रो ने अपना कॉन्स्टेंट दे दिया, प्लीज याद रखना कि मेरा नंबर है, ठीक है, हाँ कॉल मी एनी टाइम। पर आप बोलोगे नहीं मैम नहीं कॉल करना, क्यों कॉम्प्लिकेट करना जिंदगी। पहले एन ए लिखते थे एवोगैड्रो नंबर को, ए फॉर एवोगैड्रो। अब हम जब भी स्टैंडर्ड कुछ भी दिखाना हो ना हम ये नॉट लगा देते हैं, तो एन नॉट इज द रीसेंट अपडेट कि हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब आप बोलोगे मैम क्यों बता रहे हो, करेंगे क्या इस वन मोल का, इस 6.022 × 23 का करेंगे क्या। तो स्टूडेंट्स जैसे आप डे टू डे लाइफ में डजन यूज करते हो, पेयर यूज करते हो, ग्रॉस यूज करते हो कि एक डजन में 12 आर्टिकल, एक पेयर में 2 आर्टिकल्स, एक ग्रॉस में 144 आर्टिकल्स, उसी तरीके से केमिस्ट्री में पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि हमें इतने पार्टिकल एक बार में लेने पड़ते हैं, और वो वन मोल कोई भी पार्टिकल हो, ये पार्टिकल कोई भी हो, इतनी क्वांटिटी को हम हमेशा वन मोल बोलेंगे। और एक ना नया टर्म दे दिया उसको, दिस इज अ केमिस्ट्स डजन। जैसे डजन हम डे टू डे लाइफ में किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं अनटिल एंड अनलेस उसमें 12 चीजें हैं, उसी तरीके से ये बन गया केमिस्ट का डजन कि केमिस्ट लोग इसको अपने डजन की तरह ऐसे यूज करते रहते हैं, जिसमें भी 6.022 × 10²³ आया बस वही मोल है। यस yes? तो देखो एक बार इसको देख लो, हाँ लुक एट आर हैंडसम साइंटिस्ट। आपको इसको देख के ये नहीं लग रहा लाइफ हैज इवॉल्व्ड, ह्यूमैनिटी हैज इवॉल्व्ड, नहीं ह्यूमन बीइंग हैज इवॉल्व्ड। फीचर्स देख रहे हो हम चेंज हो गए। मैं बिल्कुल डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही, वो एड्रो सर प्लीज माफ कर देना जहां से भी देख रहे हैं, वो मतलब नहीं था, मैं बोल रही हूँ चेंजेस आ गए हैं ह्यूमन बीइंग के पर्सपेक्टिव, दिखने में भी आंखें देखना जरा, OMG OMG AKR सर की कॉपी लग रहा है नलिन, जरा अगली बार ना मैं फोटो लेके आऊंगी यहाँ पे AKR सर की, यहाँ पे यार कंपैरिजन करेंगे फेस ऑफ, AKR सर विल बी लाइक बख्श दो मुझे। आगे बढ़ते हैं, व्हेन आर यू गोइंग टू स्टार्ट आयंस, मनस्विनी एक सेशन मिस कर दिया, फिफ्थ सेशन में कराया है हमने। कंफ्यूजन हो रही है हमारे नाम में अनुभा जी, कोई बात नहीं आप AS हो मैं AG हूँ। अब देखो अगर आपके पास एक मोल एटम हुए, नियोन एक गैस है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम्स, अगर एक मोल किसी सब्सटेंस के एटम्स है तो उसमें एवोगैड्रो एटम्स होंगे। एक मोल मॉलिक्यूल है, NH3 क्या है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की पहचान क्या है, टू और मोर एटम्स कंबाइंड केमिकली,
अगर एक मोल मॉलिक्यूल ले लेते हो तो उसमें ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक मोल मैंने सोडियम क्लोराइड, कहने का मतलब एक मोल मैंने फॉर्मूला यूनिट्स ले ली। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? एक ऐसी यूनिट जो ऑपोजिट आयोन से मिलके बनी है, आयोनिक कंपाउंड के सिंपल फॉर्म को मैं फॉर्मूला यूनिट बोल देती हूँ। तो मतलब क्या, यहाँ पे एक मोल फॉर्मूला यूनिट में एवोगैड्रो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स, कि अगर मैंने यहाँ पे एक मोल NaCl ले लिए, इसका मतलब है इस NaCl के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl है, आई मीन इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl पड़े हैं। ठीक है, 6.022 × 10²³ एवोगैड्रो नंबर पड़े हैं। मैं आपको इस स्लाइड से पता क्या बताना चाहती हूँ कि वन मोल में कोई भी क्वांटिटी हो, एलिमेंट हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, आयॉन्स हो, एक मोल में हमेशा पार्टिकल फिक्स रहते हैं 6.022 × 10²। अब मेरे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज है कि मैम ये नंबर आया कहाँ से, है ना? मैम बिना नीचे देख के रही है मैम की, हु नोटिस, मैम बिना नीचे देखे लिख रही है, कहाँ नीचे देखे बच्चे बता दो जरा। पैडी, व्हाट अ नेम बाय द वे, पुनीत चरण स्पर्श, जीते रहो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आशीर्वाद आपको। हाँ, अब आप सोचोगे मैम ये नंबर कहाँ से आया है, किसने किसने निकाला, क्यों निकाला? तो स्टूडेंट्स, ये एक मोल का नंबर पता है कहाँ से आया? साइंटिस्ट ने, कार्बन से ना साइंटिस्ट को बहुत प्यार था, तो मैं आज आपको एक सलाह दूं, बी लाइक कार्बन, क्योंकि देखो कार्बन को ना सब लोग बड़ा प्यार करते हैं। क्यों? एवरीवन वांट्स टू बी लाइक कार्बन, बहुत फ्रेंडली है, सबके साथ घुल मिल जाता है। एंड कितने कंपाउंड्स बना चुका है पता है आपको? 10 मिलियंस एंड मोर। तो सबके लिए कार्बन एक इंस्पिरेशन है। तो कार्बन को उठाया गया, कार्बन का ना उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कार्बन के एक एटम का जो मास था वो था 12 यूनिट, था कि नहीं? मैंने सेकेंड सेशन में ये बात पढ़ाई है आप लोगों को, एटम्स आर मी, कम ऑन टेल मी, सेकेंड सेशन में पढ़ाई थी ये बात कि एक कार्बन एटम का मास होता है 12 यूनिट। अब ये जो यूनिट वैल्यू जो हमने चूज की थी ना, ये बहुत छोटी है, पता है कितनी छोटी है? एक यूनिट की वैल्यू होती है 1.67 × 10²⁴ ग्राम, जिसको रेफरेंस लिया गया था। ये रेफरेंस उसने डाला, 12 से मल्टीप्लाई किया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे कुछ ये वैल्यू आएगी, 1.99 × 10²³ ग्राम। मैं आपको बताना पता है क्या चाहती हूँ, एक एटम कितना छोटा है, 1.99 × 10²³ ग्राम कार्बन का। कार्बन इज लाइक, ऐसे तो मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी ना, ना कोई देख सकता, ना कोई इस पे एक्सपेरिमेंट कर सकता, बहुत नाइंसाफी है। तो क्या किया गया, साइंटिस्ट ने क्या बोला, एक एटम का मास 12 है, जो कि बहुत छोटा है, अगर उसको मैं 12 ग्राम कर दूं तो यू ना, यू जो है उसका मास बहुत कम है, मैं काम करूं 12 U ना लेके 12 ग्राम ले लूं। तो ऐसा किया गया, कार्बन का 12 ग्राम मास उठाया गया, और उस 12 ग्राम में पता है कितने एटम्स ऑब्जर्व हुए कार्बन के, 6.022 × 10²³ एटम्स। तो ये देखा गया कि एक एटम का मास निकला 12 U, लेकिन उसी एटम के मास को जब ग्राम में लिखा गया और उतना मास लिया गया, तो उसमें जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंट किए गए, साइंटिस्ट के पास कुछ टेक्निक थी टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स, दैट केम आउट ड्यू टू सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, 6.022 × 10²³। वहां से उसको इंस्पिरेशन मिली, आइला सबके साथ अप्लाई करके देखते हैं, अगर ये रूल अप्लाई हो गया तो जिंदगी आसान हो जाएगी। और ऐसा हुआ स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या किया, इसको अप्लाई करके देखा बाकी के एलिमेंट्स मॉलिक्यूल्स के साथ भी, और ये पाया गया कि किसी भी सब्सटेंस के मास को, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूल के मास को, या फॉर्मूला यूनिट के मास को, अगर आप ग्राम में लिख दो, ग्राम में लिखते ही उस क्वांटिटी में हमेशा एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मिले, पाए गए। तो वहां से पूरा का पूरा रेवोल्यूशन आ गया, और हमने एक बहुत ही अमेजिंग एस्टैब्लिशमेंट कर ली कि अगर आपके पास मास है तो उस मास से आप नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें कितने हैं निकाल सकते हो, अगर आपको पता है इस सब्सटेंस में कितने पार्टिकल हैं तो उससे मास निकाल सकते हो। केमिस्ट्री में रेवोल्यूशन ला दिया उसने। ठीक है, तो हमने क्या सीखा
कि 1 मोल क्वांटिटी में हमेशा होते हैं इतने पार्टिकल, और इतने पार्टिकल्स आपको कब मिलेंगे, जब मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास। एटम के जो एटॉमिक मास को आप ग्राम में लिख दो, अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिख दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आपके पास फॉर्मूला यूनिट है, फोर्थ सेशन में पढ़ाया था फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, जो भी आयोनिक कंपाउंड होता है मेड अप ऑफ आयोन्स, जैसे कि Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एक यूनिट जिसमें पूरा पॉजिटिव नेगेटिव सारा सिंपल आयोन्स आ रहे हैं उसको एक फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं। उसके भी मास को जब आप ग्राम में लिख दो तो उस सब में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, इतने, और यानी के 1 मोल के इक्वल होता है, क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। थम्स अप दे दो जरा जल्दी से, रूल अप्लाई हो गया तो पैसा ही पैसा होगा। वाह नलिन, है ना, काश। अब आप बोलोगे मैम मैम कैन वी गेट दिस मच, नॉट पार्टिकल, दिस मच रुपी ऑल्सो। वाह, मालामाल हो जाओगे फिर तो। पार्टिकल, अगर पार्टिकल की जगह रुपी लिख दूं मैं, रुपीज, बिल्कुल बिल्कुल मालामाल हो जाओगे। कुणाल जी, इग्नोर इग्नोर तो मैम करती ही नहीं है। इस पे थोड़े और प्रकाश डालते हैं, इस पे और थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं और इम्पोर्टेंट बातें बताऊंगी। पहले मुझे इतना जल्दी से बता दो, समवन सेड आई मैम इज लाइक कार्बन, आज तो तुमने दिल जीत लिया मैम का। हाँ ये देखो, मैम का दिल मिला आपको, दिल जीत लिया तुमने। अब मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स नए हैं प्लेटफॉर्म पे 9th क्लास का, और चाह रहे हैं कि मैम एग्जाम आने वाला है, क्या हमें रिवीजन मिल सकता है, क्या हमें अभी भी आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हो? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप वेदांतों का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इस टर्म 1 के लिए 2 बैचेस हैं जो लास्ट हैं, जो शुरू हो रहे हैं। और द बेस्ट पार्ट इज यू कैन इवन चेक दैट आपके पास लाइट क्लासिक प्लस के 3 प्लान अवेलेबल हैं विद ऑल द लाइव क्लासेस। हर क्लास में रिविजन इन टर्म्स ऑफ क्विजेस स्टार्टिंग में, बीच में, टू नो द टॉपिक कि आपको समझ आए कि नहीं। हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, हर सेशन के नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा टू मेक श्योर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। डाउट्स के लिए भी आपको सपोर्ट मिलेगा इन द क्लास एंड एज वेल एज आउटसाइड द क्लास, अगर आप क्लासिक और प्लस के यूजर हैं। और पता है इतने 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 प्लेंटी ऑफ माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे कि अगर मान लो फिर भी लगता है मैम टॉपिक में थोड़ा झोल है, क्या करें, तो उस टॉपिक को 10 बार पढ़ो, चाहे आपकी मर्जी है कितनी बार भी पढ़ो, फ्री माइक्रो कोर्सेज भी मिलेंगे। और तो और, जब पढ़ाई करने बैठो डाउट का सपोर्ट चाहिए कि मैम सॉल्व हो सकते हैं क्या, आप अब भगवान तो है नहीं, 24 घंटे अवेलेबल रहेंगी हमारे लिए और बाकी टीचर्स भी, तो क्लासिक और प्लस में आपको ये फीचर भी मिलेगा। और मैं तो बोल रही हूँ भरोसा बाद में करो, पहले ट्राई करके देखो, ट्राई करने पे भरोसा बनता है, तो यू स्टिल हैव अ ट्रायल फॉर 1 मंथ, और मैं दिखाऊं कितना चीप है, एक बार देख ले स्टूडेंट्स, देख लेते हैं जल्दी से। एजी मैम की क्लास का ये रहा, बाकी के दोस्तों को कहाँ छोड़ आए तुम, कहाँ छोड़ के आए हो बाकी के दोस्तों को, चलो अभी देख लेते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला, CBSE क्लास 9, आप क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं, नॉर्मल कोर्स भी। अगर मैं आपको नॉर्मल कोर्स पे क्लिक करके दिखाऊं, एक मिनट, 26,999 का पूरे साल का प्लान है प्रो का, लाइट का, और प्रो क्लासिक इज फॉर 37,000। अब आप बोलोगे मैम इतना का है, एक मंथ का ट्राई करके देख सकते हो, एजी प्रो के साथ आपको डिस्काउंट भी मिला हुआ है, 2790 हो गया अगर आप एजी प्रो का डिस्काउंट लगाते हो। एक और अमेजिंग चीज बताऊं, 2790 में आपको सब कुछ मिल रहा है, और एक महीने में जो भी आपके डिफिकल्ट टॉपिक है ना, आप उसका रिविजन भी कर सकते हैं कि मैम ये टॉपिक ना प्रॉब्लमैटिक है, क्या हम इसको सॉल्व कर लें, क्या इतना ही कर लें, तो आओ थोड़ा स्मार्ट बनो, और एक महीने में यू कैन गेट द बेस्ट फीचर, जो जो टॉपिक्स कवर करने हैं माइक्रो कोर्सेज के थ्रू, लॉन्ग टर्म कोर्सेज के थ्रू, रीप्लेस के थ्रू, डाउट ऐप के थ्रू, सब कुछ कर सकते हो। और अगर उस हिसाब से सेशन की कॉस्ट देखोगे, इट विल बी हार्डली 9 to 10 rupees, विच इज अ गुड इन्वेस्टमेंट टू हैव। पर एक अमेजिंग बात ये है कि आप पूरा का पूरा 9th क्लास का क्रैश कोर्स ले सकते हैं, और उससे अमेजिंग बात पता है क्या है, लुक एट द प्राइस। क्लासिक में बोलूंगी लेना अगर लेते हो तो, क्योंकि क्लासिक में आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, और डाउट सपोर्ट इज काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट। अब ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, आपका सिर्फ
अप्रैल आई मीन जो भी मंथ चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो जितना भी पूरा 3 महीने एग्जाम चलेंगे पूरा अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है? और आप पूरा कोर्स खरीद सकते हैं, एजी प्रो लगा के ही आपको ये डिस्काउंट मिला है। एंड देन सी इट, इट्स गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मैं अगर अपना डैशबोर्ड खोल के आपको एक सेशन का रीप्ले दिखाऊं कि कैसे इतना अमेजिंग तरीके से यहाँ पे सारे आपके डाउट सॉल्व होंगे। 236 डाउट्स आस्क, 236 डाउट सॉल्व, हर क्वेश्चन में आपको क्विज भी देखने को मिलेगी और अमेजिंग लीडर बोर्ड भी देखने को मिलेगी। ठीक है, कंबाइन पूरा सेशन चल रहा है, तो एलिमेंट ये जो है तो प्योर, ये कंपाउंड कैटेगरी पूरा क्विज टाइम होगा, क्विज के बाद आपको लीडर बोर्ड भी दिखाया जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी एन ऑसम एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। ये देखो, हर बार आपको स्टार शावर मिलेगी फॉर डूइंग अ गुड जॉब। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स व्हाट आई कैन से। और सेशन पे वापस आ जाते हैं, आई वुड लव टू सी यू ऑल। एंड बैच का डिटेल दू, 9th क्लास ये रहे, 27 सितंबर को टर्म वन। अगर पूरा टर्म वन के लिए प्लान कर रहे हो कि क्रैश कोर्स, ये तब शुरू हो रहा है। और अगर आप सिर्फ नॉर्मल क्लासेस लेना चाहते हो, लॉन्ग टर्म वाले जो बैच चल रहे हैं नए वाले, वो 13th मेरा ही बैच है, लास्ट बैच है, यू कैन टेक दैट। एजी मैम का बैच ज्वाइन करना है, लेट मत करना, एजी प्रो लगाना मत भूलना, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं अब हम। कार्बन, वाई कार्बन नॉट अदर एलिमेंट, में है क्योंकि लेके देखा गया हमने हाइड्रोजन को लिया, ऑक्सीजन को लिया, बात नहीं बनी। जब हाइड्रोजन को लिया वो इतना सबके साथ रिएक्टिव नहीं था, कंपाउंड नहीं बनाता था। और ऑक्सीजन को लिया गया, ऑक्सीजन के दोनों आइसोटोप को लेके सारे साइंटिस्ट में कंफ्यूजन थी कि ऑक्सीजन के उस एटम को ले जिसका मास 16 है कि जिसका 18 है, तो कंफ्यूजन बहुत थी, जिस कंफ्यूजन को कार्बन ने दूर कर दिया, ठीक है? हाँ मैम, आपके पास तो मोल के डबल डॉल, हाँ नलिन आओ जरा बैंक अकाउंट दिखाती हूँ, मैम के पास स्क्रीन तो है नहीं बड़ी। यू आर स्वीट, यू आर नॉट कार्बन। आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप होता है स्टूडेंट्स, वैसे तो 4th चैप्टर का टॉपिक है ये, जब एक सेम एलिमेंट को मैं उठाती हूँ, 2nd चैप्टर में पढ़ाया था, सेम एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम्स, लेकिन वो जो सेम एटम है ना, उनका मास भी चेंज हो सकता है। कभी कभी मास प्रोटोन बढ़ने से चेंज हो जाता है, क्योंकि मास इज ड्यू टू प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन का सम। तो ऑक्सीजन के मोस्टली एटम का मास 16 है, बट कुछ एटम में दो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास 18 भी हो सकता है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट आइसोटोप इज, सेम एलिमेंट्स एटम हैविंग डिफरेंट मास। दैट्स द होल डिफरेंट कॉन्वर्सेशन, लेट्स गेट बैक नाउ। कि सोचो यहाँ पे क्या लिखा है, मास ऑफ वन मोल इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मैम ने बता दिया कि 12 ग्राम अगर आप कार्बन लोगे तो उसमें कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है? अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर, अब वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 U, कैसे आया, दो हाइड्रोजन एटम का मास ऐड करो 2 यूनिट, एक ऑक्सीजन का 16 एंड 2 18। सेम बात है कि अगर मैं उसको ग्राम में लिखूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिख दो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इसमें भी कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो नंबर। पर एवोगैड्रो नंबर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स, वाटर क्या एक मॉलिक्यूल है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल। कि 18 ग्राम पानी ले लोगे, उसमें पानी के कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है? यस प्रखर जी, लड़ाई नहीं करनी, क्षितिज जी लड़ाई करने नहीं आए हो आप यहाँ। मैम गंदी हैंड राइटिंग, प्रखर मैं बड़ा कोशिश करती हूँ ना अपनी हैंड राइटिंग को सुधारने की, तो हार जाती हूँ, फेल हो जाती हूँ, बट कोशिश करूंगी और अच्छे से लिखने का, ठीक है? कुणाल जी शुरू हो गए, मॉम हम इग्नोर कर रही हो, पैसे मिल रहे हैं ना मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब साइंटिस्ट ने सोचा, अरे काहे और कंफ्यूजन बढ़ाएं, हमारे बच्चों के पास पहले इतना काम है, आप क्या साइंटिस्ट लोग और कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते जा रहे हैं। मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटम के मास को ग्राम में लिखो, ग्राम एटॉमिक मास, फॉर्मूला यूनिट के मास को ग्राम में लिखो, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास, ठीक है? अब अल्लाह एक और सोल्यूशन निकालते हैं, इनको सीधे एक ही नाम से बुलाते हैं, मोलर मास, ठीक है?
क्यों बुला रही हूँ मैं मोलर मास से, क्योंकि मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखते हो, एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो, फॉर्मूला मास को ग्राम में इसलिए लिखते हो क्योंकि उसमें 1 मोल पार्टिकल होते हैं। तो साइंटिस्ट ने सोचा 1 मोल पार्टिकल के जो मास है ना उसको सीधा इस टर्म से बुलाया जाए, मोलर मास। किस नाम से बुलाया जाए? मोलर मास। कि 1 मोल में ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम एटॉमिक, ग्राम फॉर्मूला मास है, बट हम आसान भाषा में उसको उसका मोलर मास बुला सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल। ये बात क्लियर है? मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास। और वो मोलर मास क्या है? मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिख दो, एटॉम एटम है तो एटॉम के एटम के मास को ग्राम में लिख दो, फॉर्मूला है तो फॉर्मूला यूनिट के मास को ग्राम में लिख दो। और क्लैरिटी के लिए क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस विल मेक एवरीथिंग वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, जैसे कि हाँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ, आपको सब आते हैं, सब आता है। पैडी इज लाइक मैम मेंटी के लिए मैं तो एकदम रेडी हूं, मुझे सब आता है, मैं देखूंगी हाँ, एकदम देखूंगी। मोलर मास क्या होता है एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं। 1 मोल का मास, तो 1 मोल का मास कैसे निकालूंगे? इसके मॉलिक्यूल के मास को निकाल के ग्राम में लिख दूं। अब 2 ऑक्सीजन एटम है, 1 ऑक्सीजन एटम का 16 था, 2 का कितना हो जाएगा 32, इसको किस में लिखना है? ग्राम में। तो 1 मोल का मास कितना हो गया 32 ग्राम, यही मोलर मास है। लेकिन डिफाइन कैसे करूंगी? पर मोल, यूनिट का चेंज। ठीक है, मोलर मास की यूनिट हो गई ग्राम पर मोल। पर मोल क्यों लिखा? पर मोल का मतलब 1 मोल में, तो 1 मोल में 32 ग्राम वेट हो गया ना, मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हो? सिंपल, उसका मास निकालो, ग्राम में लिखो, पर मोल लिख दो। ये ग्रेट, समझ आया? अच्छी हैंड राइटिंग, नहीं ये आप ही ने बोला है मुझे, इस बात पे तो मैं बोलूंगी ठीक है, मानती हूं मैं। अब आप मुझे आंसर दो, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, मेरे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका मोलर मास बताओ, जल्दी से बताओ। मोलर मास कैसे बताएंगे? एटम के मास को ऐड कर दो। 1 मैग्नीशियम एटम का मास होता है 24 यूनिट, 1 ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 यूनिट। मोलर मास बताओ विद यूनिट, जल्दी से बताओ। व्हाट इज आइसोबार? बच्चा विशेष 4th चैप्टर में पढ़ाऊंगी कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका मास भी कभी कभी सेम हो सकता है। कैल्शियम आर्गन इज अ पेयर ऑफ आइसोटोप, डिफरेंट एलिमेंट का पेयर और मोर देन 2 एलिमेंट्स, लेकिन जिनका मास सेम हो। 40 ग्राम पूरा कौन लिखेगा? आपने तो मॉलिक्यूलर मास बता दिया, सॉरी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। पहले मास निकालो, कितना आ गया 40, ग्राम में लिखेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, लेकिन ये मास 1 मोल का है, 40 ग्राम पर मोल। बस पता है तो आपको, तो 40 ग्राम पर मोल हो गया। अच्छा एक और बता दो, सिर्फ एक, फिर आगे बढ़ेंगे। हीलियम, क्योंकि मैं एलिमेंट की बात कर रही हूं अभी, हीलियम एक एलिमेंट है, इसका मोलर मास कितना होगा जल्दी से बताओ। आई वॉन्ट दिस टॉपिक टू बी क्रिस्टल क्लियर बिकॉज देन वील कम टू द कंक्लूजन। वेदिका पिछले चैप्टर में हो गया ये। मैम मेरी हैंडराइटिंग आपसे मिलती है, वाह मैम भी बच्ची है, मतलब मैम हमेशा बच्ची रहेगी। 4 ग्राम 90 कौन बोला? तबाही मत मचाओ तुम अभी। हीलियम की जो एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है, मास इन जनरल जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है ना, मास डबल हो जाता है, 4 यूनिट। लेकिन ग्राम में लिखेंगे ग्राम एटॉमिक मास, अगर मैंने पर मोल लिख दिया बेटर टर्म में मोलर मास हो गया 4 ग्राम पर मोल। बस और क्या चाहिए जिंदगी में, आ तो गया समझ कि यू के यूनिट को ग्राम में लिखना है, बाद में पर मोल लगा देना है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आपको ये कंक्लूजन समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि 1 मोल में जितने भी पार्टिकल हो, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, उसमें इतने तो नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं 6.022×10⁻³, और उसका मास कितना होता है? मास इज इक्वल टू राइटिंग द रिलेटिव मास इन ग्राम। ठीक है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022×10³ एटम्स, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी 1 मोल और कितनी क्वांटिटी सेम, लेकिन इतने मॉलिक्यूल्स।
ठीक है, अगर मैं ग्राम फॉर्मूला मास की बात करूं जो फॉर्मूला यूनिट से बनता है, फॉर्मूला यूनिट क्या है, ऑपोजिट जो आयोन्स वाले जो कंपाउंड होते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास की अगर मैं बात करूं उसमें भी वन मोल, लेकिन वन मोल क्या है, वन मोल में 6.022 × 10²³ फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, लाइफ में ज्यादा लोड लेनी नहीं है। अब मैं आपको इससे क्या समझाना चाहती हूँ, तीन चीजों का रिलेशन बिठा दिया, अगर आपको दो चीजें पता है तो तीसरी निकाल सकते हो। तीन चीजों का हमने रिलेशन बिठा दिया, अगर आपको दो चीजें पता है तो तीसरी चीजें निकाल सकते हो। मैं आपको समझाऊं कैसे, कुछ फॉर्मूला हमने सीधा सीधा डिराइव कर लिए यहाँ पे देखो, और एक फॉर्मूला में मैं समझा देती हूँ, उसको अप्लाई करने सीखेंगे, बाकी के फॉर्मूला से क्वेश्चंस कैसे निकालने नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। बिना पढ़ के पढ़ा कैसे लेती हूँ, पर नहीं इतना 5 साल से मैम पढ़ा रही है, अब भी मैं पढ़ पढ़ के पढ़ाऊंगी क्या, बताओ, ये भी कोई बात हुई। नंबर ऑफ मोल इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, बच्चा मैं आपका सवाल जरूर सॉल्व करूंगी आज के आज। पहले एक बात को समझ लो, देखो ये मैंने ना एक फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर आपको किसी सब्सटेंस में टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल दे ना, तो पता है कैसे निकालोगे, आपको जो भी उसका मास गिवन है, गिवन मास, उसको डिवाइड कर दो मास ऑफ वन मोल से। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, ये मैथ्स की बात है, मैथ्स में ही जैसे हम करते हैं ना कि बैंक में पहले ऐसे करते थे कि ना कोई उनको बोलता था कि भाई इतना सारे ना 2 रुपए के कॉइन आ गए, कोई बताएगा कि कितने पैसे हैं ये 2 रुपए के मिला के, दे आर लाइक अरे यही रह गया है जिंदगी में, अब 2-2 रुपए के कॉइन काउंट करते रहे हम, बड़ी बड़ी मेहनत है। तो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने क्या किया, तरीका निकाला कि हम 1 2 रुपए के नोट के मास को काउंट कर लेते हैं, जैसे हमें 1 मोल का मास पता है, उन्होंने भी बोला 1 2 रुपए का जो नोट है ना, आई मीन 1 2 रुपए का जो कॉइन है ना, उसका मास निकाल लेते हैं अलग से, मान लो वो आया 0.2 ग्राम। अब बोलेगा देख भाई का मैथ्स, कुछ नहीं करना, क्या करना है, 1 2 रुपए के कॉइन का मुझे पता है, अब एक काम करना, मैं काउंट नहीं करूंगा सारे 2 रुपए के कॉइन, मैं क्या करूंगा सबका मास निकाल लूंगा जितने 2 रुपए के कॉइन आए। सोचो उन्होंने 2 रुपए के कॉइन का मास निकाल के देखा और उनके पास मास आया 2000 ग्राम। ठीक है, 2000 ग्राम, 2 किलो। तो उसने क्या बोला, अब देख मैथ्स लगाना, मुझे निकालना है 2000 ग्राम, मेरे पास कॉइन्स थे उसमें टोटल कॉइन कितने हैं, मैं मैथ्स का यूनिटरी मेथड लगा दूंगा कि लगा दूंगी, कैसे कि अगर मेरे पास 0.2 ग्राम था तो 1 कॉइन था, 0.2 ग्राम का जो वो कॉइन था उसमें 1 कॉइन था 2 रुपए का, अगर मेरे पास 2000 ग्राम है तो उसमें कितने कॉइन होंगे, 1/0.2 × 2000। यही किया कि नहीं किया स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी छोटू मैम को बताओ, यही किया कि नहीं किया, टिंपल ऑन योर फेस, यस प्रखर, देखो आपने तो सॉल्व करके भी दिखा दिया सबने कि मैम समझ आ गया, अब फॉर्मूला निकाल के दिखाओ मैंने इसमें क्या किया है। यही सेम फॉर्मूला मैं मोल्स के लिए भी लगा सकती हूँ, कैसे, अभी देखो, केमिस्ट्री आसान इन 1 मिनट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 2000 गिवन मास, और नीचे क्या है डिवाइड में, मास ऑफ 1 कॉइन। क्या ये यही फॉर्मूला नहीं था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 कॉइन। तो यही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ निकाला है कि इसी तरीके से जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन निकाले थे, वैसे अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो केमिस्ट्री में तो ऐसे ही निकालोगे, जितना मास दिया है वो लिखो और डिवाइड कर दो 1 मोल के मास से। समझ आया कि नहीं आया, बताओ, बिल्कुल होंगे सम्यक, बिल्कुल होंगे। क्लासिक में आपको डाउट आपका सपोर्ट भी मिलेगा और क्लास में भी डाउट सॉल्व होंगे। ठीक है, समझ आ गया, मजा आ गया, आया कि नहीं आया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास डिराइव होके। तो स्टूडेंट्स मैं छोटी सी एक फॉर्मूला को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल दिया, छोट गिवन मास को मैं स्मॉल m से लिख देती हूँ, मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल इज मोलर मास, ये फॉर्मूला भी हमने डिराइव कर लिया। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन करेंगे फिर मेंटी करेंगे, सेम आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो लेकिन पार्टिकल गिवन हो, तो सेम फॉर्मूला कि गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कि कोई आपको बोले मेरे पास ना
12.044 into 10 to the power 23 particles थे, क्या आप उसमें number of moles बता सकते हो? बोलोगे इतनी simple बात, आपने इतने particle दिए, एक mole में इतने particle होते हैं, मैं divide कर दूंगा कि कर दूंगे, है ना? क्या बोला मैंने, मुझे 12.044 into 10 to the power 23 particle मिले carbon के, मुझे उसका mass निकालना था, उसके moles निकालने थे, बहुत simple है, कैसे? एक मोल में तो होते हैं 6.022 10 टू द पावर 23 और मुझे इसमें मोल निकालने हैं, तो मैं मैथ्स लगा सकता हूँ कि लगा सकती हूँ, जो भी अपने कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, कैसे अपने आप को छोटू करके दिखा देती हूँ कि 6.022 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स हैज 1 मोल, मुझसे पूछा है 12.044 10 to the power 23 particles में कितने मोल होंगे, मैंने क्या किया, 1 divided by Avogadro number multiply by 12.044 into 10 to the power 23, तो क्या मैं ये formula आपको यहाँ पे बता नहीं रही, यही तो मैंने formula बताया जो unitary method में apply किया, के ऊपर लिखेंगे जो हमें given particle है, नीचे लिखेंगे Avogadro particle है, तो मैंने आज आपको दो फॉर्मूला बता दिए जो बहुत ही सिंपल थे, उन दो फॉर्मूला की हेल्प से आप सारा मोल कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो, ये सारे फॉर्मूला आपस में एक दूसरे से निकल के आए हैं, तो इनको डिटेल में और भी पढ़ेंगे, बट अभी दो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है, अगर आपको दो चीजें पता है तीसरी चीज निकाल सकते हो, कि आपको मोलर मास तो हर सवाल में पता ही पता होगा, आप या तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाओगे या मास निकाल पाओगे, गिवन नंबर ऑफ मोल्स इज आल्सो इक्वल टू, अगर पार्टिकल की टर्म में पूछा है, गिवन पार्टिकल उसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो पार्टिकल से, क्या ये फॉर्मूला समझ में आया सबको, जल्दी से हाई फाई दे दो मैम को और फिर हम बढ़ेंगे एक क्वेश्चन पे, फिर करेंगे मेंटी, यो ऑसम ऑसम, तो चलो फिर एक छोटू सा क्वेश्चन और जल्दी से मेंटी, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्या है 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम में मुझे पार्टिकल निकालने हैं, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, कोई भी सवाल को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड लिख लेनी है, वो क्या है, अगर एटम है तो एटम का ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये सबसे पहली इंफॉर्मेशन चाहिए होती है आपको, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 U, ग्राम एटॉमिक मास है 40 ग्राम, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन से आधी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएगी, चलो सॉल्व करके देखते हैं, अब पूछे 40 ग्राम में कितने पार्टिकल है, ये तो बहुत सिंपल हो गया, कैसे, मैं यूनिटरी मेथड से भी सॉल्व कर सकती हूँ कि किसी सब्सटेंस के ग्राम एटॉमिक मास में एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल होता है और 1 मोल का मतलब है एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना, क्या आंसर आ जाएगा, 6.022 into 10 to the power 23 कैल्शियम एटम्स, आई बात समझ में कि नहीं आई, अमृतसर जैसी हैंडराइटिंग है, अमृतसर भी इतना गंदा लिखते हैं क्या, अमृतसर को जाके बोलूंगी आपका मार्क भी फेल हो गया, हम दोनों जीत गए, यस आपके एक सेशन में और मेरे नाम और सरनेम की बेइज्जती कर दी मैं बताती हूँ उनको, हैं अमृत राज जी बड़ा राज कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर, उनका राज निकालती हूँ मैं, आई जस्ट सेड किसी भी एटम के मास को अगर आप ग्राम में लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास हो जाता है, और पहले पूरे सेशन में यही तो एस्टैब्लिश किया है कि उसमें 1 मोल होता है, अब पूछा है कि 40 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे कैल्शियम में, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, है ना, बस तो अगला वाला पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा, जब भी आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिलेगा, तो बल्ले बल्ले सब कुछ मिलेगा, सेशन डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, विद इन 24 आवर्स आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एक और बॉयज वर्सेस गर्ल प्रखर अभी शुरू होगा, अभी मेंटी कर रहे हैं, इसके बाद 40 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बहुत सिंपल है, इतने सिंपल क्वेश्चन कौन करता है, सबसे पहला स्टेप एज आई सेड हमेशा ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर जो भी सब्सटेंस है वो निकाल लो,
ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14, दो है तो 28, उसको ग्राम में लिखना पड़ेगा, 28 ग्राम, हाँ कि नहीं? यस ये विदुषी, 28 ग्राम। अच्छा 28 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं? एवोगैड्रो नंबर है ना, तो क्या लिखोगे? 28 ग्राम जब मेरे पास नाइट्रोजन होता तो मेरे पास होते एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास 14 ग्राम ही है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो 14 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय 28 इनटू 14, 14 से ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया एन नॉट बाय 2, और एन नॉट की वैल्यू कितनी है? 6.022 इनटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व कर लो कितना आएगा? 3.011 इनटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी से बताओ, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ। एज आई से सॉल्यूशन यूनिटरी मेथड में मैंने अप्लाई करके दिखा दिया, विच इज वेरी वेरी सिंपल। यानी कि 28 ग्राम में तो थे एवोगैड्रो, तो 14 में उसके आधे हो जाएंगे, वही मैंने किया है, वही किया है ना? यस बिल्कुल एकदम। कि 28 क्यों? मॉलिक्यूलर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में यानी कि मोलर मास में एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होते हैं, अगर उसके आधे में आपसे पूछा है तो उसका आधा कर दो, एवोगैड्रो नंबर को हाफ से डिवाइड, आई मीन टू से डिवाइड कर दिया, नहीं है ना? महक समझा दिया, ठीक है, वंडरफुल। तो अब और भी क्वेश्चंस करेंगे, और भी फॉर्मूलास को अप्लाई करेंगे, बट नेक्स्ट क्लास में जल्दी से मेंटी जरूर करके देख लेते हैं कि जो भी आज पढ़ा वो कितना समझ में आया, वो मेंटी से क्लियर होगा। तो मेंटी कर ले जल्दी से, आप ज्वाइन कर लो, जल्दी से ज्वाइन कर लो। 9th का सैंपल पेपर कब आएगा? समय के काम करो, सीबीएसई को एक लेटर लिखो, डियर सीबीएसई प्लीज मेंटी, आई मीन प्लीज सीबीएसई का अपना जो सैंपल पेपर है रिलीज करिए। ये चैप्टर नहीं है फर्स्ट टर्म में, हाँ मुझे पता है, बट नहीं है तो क्या हुआ, टर्म टू में तो आएगा। और अभी मत पढ़ो, इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, बाद में बोलोगे। कोड प्लीज राइट इन चैट। श्याम जी प्लीज आप एक बार ये मेंटी वाला कोड अप्लाई कर, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे, इसको चैट बॉक्स में हाईलाइट कर देंगे। मैं कोड रिपीट कर देती हूँ, menti.com की वेबसाइट ओपन कर लो, और आज की क्लास का कोड है 8534 1362। मैं फिर से जल्दी से रिपीट कर रही हूँ, 8534 1362। देखो वेदांतु की टीम ने उस मैसेज को पिन कर दिया है, अब सिंपल हो गया सब कुछ, वहां पिन किया हुआ है, वहां से कॉपी कर लो, जॉइंट इट्स इन फर्स्ट टर्म। नहीं बच्चा, जो सीबीएसई ने निकाला है ना सिलेबस, उसके हिसाब से तो टर्म टू में है। बाय द वे मैम, आप भी स्मार्ट बोर्ड पे सिखाओ ना, तेजस मैम के घर स्मार्ट बोर्ड लगवाओ ना, छोटू सा कमरा है मैम का, उसमें स्मार्ट बोर्ड आएगा तो मेरा बेड नहीं आएगा, बेड आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, नहीं आया तो फिर स्मार्ट बोर्ड ही आएगा, आपकी एजी मैम गायब। ओके प्रियल जी, हाँ जी आपका भी नाम था। तो मेरे पास, मैं देख रही हूँ 63 स्टूडेंट्स हैं, मैं अगले 10 सेकंड में इसको स्टार्ट कर रही हूँ। जी बिस बोर हो गए, ये देखो पढ़ने के लिए आते हैं कि बोर होने के लिए, मैम कितना भी प्यार से आपको समझा ले बट नहीं मैम, बोरियत बड़ी है जिंदगी में। ओके चलिए शुरू करते हैं, कार्बन के नाम पे शुरू करते हैं। 8534 1362 इज द कोड, और आपका मेंटी शुरू हो रहा है, फ्रेंड्स को भी बता दो, इन 3 2 1 यो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने, ओके ये रहा, और क्वेश्चन में बोला है आपसे क्या बताना है भाई बच्चा लोग, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, बता दो जल्दी से। महक योर रेगुलर स्टूडेंट, ऑसम, कार्बन की जय। यस साक्षी, कार्बन जी हम पे दया बरसाए रखना, आप हो तो हम है तो आप है, नहीं आप हो तो हम है, और निया ज्यादा ज्यादा प्राउड नहीं दिखाना,
मोदी सर से कॉल करके सैंपल मंगवाओ। हाँ मोदी जी तो मेरे चाचा है ना। यस अनुभा जी, चलिए जल्दी से आंसर करिए। अरे वाह, 94 स्टूडेंट्स, बल्ले बल्ले हो गई है तो। बी इज द राइट आंसर, 6.022 × 10^23। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। और मैं क्या देख रही हूँ, मतलब सेशन में इतने डबल बच्चे और लाइक है ही नहीं, मतलब क्या बात। नाम का सेशन पसंद नहीं आया, और अगर पसंद आए तो इक्वल प्यार तो बरसाना बनता है ना कि नहीं बनता। फर्स्ट टर्म ऑन 16 सितंबर, पीयूष दिस इज फॉर यू। बस चिंता क्यों कर रहे हो, पढ़ा तो दिया फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अगर पहला चैप्टर भी आ रहा है, दूसरा भी आ रहा है, दोनों चैप्टर पढ़ा दिए, चिंता क्यों कर रहे हो। और सिर्फ आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज भी लेके आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आप पूरा ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड है, क्योंकि सारे सेशंस आएंगे, एमसीक्यू सीरीज भी आ रही है। स्ट्रिंजिलिशियस, ओके, हार्ट स्टॉर्म, नव्या, मेटल, व्रूम, टाइगर बेबी रिबिट, टाइगर बेबी टू, और कहाँ कहाँ से नाम लेके आ रहे हो। पगी, आपने चैनल मैनेजर के टीम से बोलिए कि 9th के ज्यादा सेशन लाए। ले 9th वाला तुम्हारा सिलेबस है कितना है, तीसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, एक ही चैप्टर बचा है फोर्थ, और एमसीक्यू सीरीज भी ला रहे हैं। इतना करने के बाद भी ना कुछ ना कुछ कंप्लेन करनी ही करनी है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन करते हैं। माय एटम्स आर्मी, टाइगर बेबी करिए अगला क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन हैज एन एटम, तो मैं मैग्नीशियम का भी 12 ग्राम लूंगी तो उसमें कितने होंगे। याद करो कि कार्बन का 12 ग्राम में एन एटम्स होने का मतलब, इसको हमने रेफरेंस माना था कि क्योंकि कार्बन में 12 ग्राम है, वो उसका ग्राम एटॉमिक मास है, उसमें एन एटम होते हैं। एवोगैड्रो की बजाय नया नाम रख दिया एन, कि एवोगैड्रो का नया नाम है एन नॉट, तो ग्राम एटॉमिक मास में एन एटम है, और मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होता है 24। अब देखो, मैग्नीशियम अगर 24 ग्राम होता तो एन एटम्स होते, 12 ग्राम है तो कितने होंगे, जल्दी से बता दो। ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, बट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो। मैंने समझा दिया है बाय द वे, अगर आपने हिंट कैच किया है तो, किया है कि नहीं किया। 2n, ये सुन रहे हो तुम, 24 ग्राम में तो n, 12 ग्राम में 2n, ये नई मैथ्स है। By the way, n by 2 definitely is the right answer. मैं आप लोगों को एक बार समझा भी देती हूँ जल्दी से, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य है ये कि आपको समझ आए। यस, तो देखो, ये बोला गया है कि कार्बन के 12 ग्राम में n एटम्स हैं। अब कार्बन का 12 ग्राम होता क्या है, रेफरेंस, कि ये हमें 1 मोल को डिफाइन करता है, ठीक है। ये 1 मोल को डिफाइन करता है, यानी कि 1 मोल में अब n एटम्स है, एवोगैड्रो का नया नाम, और यानी कि, और वो उसका ग्राम एटॉमिक मास भी है, यानी कि ग्राम एटॉमिक मास में 1 मोल और 1 मोल में n एटम्स, ठीक है। तो मैं सेम अप्लाई करूंगी मैग्नीशियम के लिए। अगर मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास अगर मैं समझाना चाहूं तो वो होता है 24 ग्राम। वाई, एटॉमिक नंबर है 12, मास डबल 24, 24 ग्राम, तो उसके भी ग्राम एटॉमिक मास में एन एटम्स होने चाहिए। एवोगेड्रो का नया नाम निकाल दिया एन, कि ग्राम एटॉमिक मास में एन एटम्स है, एन इज दैट एवोगेड्रो, ये मान लो, स्मॉल एन, सॉरी स्मॉल एन, पार्डन माई हैंड राइटिंग, ओके। तो 12 ग्राम में हमसे पूछा है, 12 ग्राम में कितना हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाई 24 इंटू 12, 12 से कैंसिल हो गया 2 पे, एन बाय 2 आ गया। आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, एन बाय 2, बस गलत हो गया। अब तो गया, अब तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगली बार बेटर कर लेना, बस इतना ही है, अगली बार इसको रिपीट कर लेना जी। ओके पीयूष, खलील एंड नलिन, सब कराई शाउट आउट, बस ये करो तुम। अच्युत, विनीता, स्कूल्स आर रीओपनिंग, इसीलिए बोल रही हूँ, अपना बहुत बहुत ध्यान रखना आप लोगों को। पैडी, उपेंद्र, टेडी, टेडू, यू आर बैक, रुद्रा, प्रियल, योर क्यूट बच्ची, सो यू आर, बट दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लूंगी। अगले क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, जो कि है ये। कम ऑन स्टूडेंट्स,
कम ऑन, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम? वही फॉर्मूला लगाना है, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। हीलियम के एक मोल का मास आप लोगों ने मुझे खुद बताया था थोड़ी देर पहले, उसके एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो। नंबर ऑफ मोल्स 40 गिवन मास डिवाइडेड बाय हीलियम के एक मोल का मास, जो आपको पता होना चाहिए। आंसर निकाला कि नहीं? जल्दी से निकालो, जल्दी, बाकी सब्जेक्ट के कह रहे हैं 10th के नवंबर में, हमारे सितंबर में आपके सितंबर में एग्जाम है क्या? ऐसे मत बोलो। ये गुड आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मोल्स 40 डिवाइडेड बाय 4, 4 क्यों? गिवन मास है 40, 4 से डिवाइड क्यों करें? एक मोल हीलियम का मास 4, उसके ग्राम एटॉमिक मास इज द मोलर मास जो कि 4 होता है। तो 40 बाय 4 कितना आएगा? 10, है ना अनुभा जी? 40 बाय 4 कितना आएगा? 10, तो 10 मोल्स। यो रुद्रा जी गलत मत करो, गलती बड़ी भारी पड़ जाती है कभी कभी, हमें गलतियों को ही तो ओवरकम करना है ना, गलतियों से सीखना है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्विवेलेंट टू, इजी पीजी स्टूडेंट्स, एक मोल में क्या होता है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इक्वल टू इट्स मास इन एटॉमिक मास यूनिट AMU व्हिच इज यूनिफाइड मास। सिर्फ क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान से पढ़ो, एक मोल के बारे में बताना है, 1U या 1 AMU के बारे में नहीं पूछा, यूनिफाइड मास एटॉमिक मास यूनिट के बारे में नहीं पूछा, ध्यान से। Someone is telling, अंकना मैम की शादी हो गई है, आप भी कर लो। नहीं, कंपटीशन चल रहा है कि हर सर की हो गई, अंकना मैम की हो गई, अब जो बाकी टीचर बचे ना हम उनको पोक करेंगे, सर मैम शादी कर लो ना, शादी कर लो ना, कुछ तो टॉपिक मिले हमें टांग खींचने को। बच्चा मैंने पहले एस्टैब्लिश किया था ना, आपने 1U का आंसर दे दिया, 1U में यूनिफाइड मास जो हम चूज करते हैं जिससे हम रिलेटिव मास निकाल पाते हैं कि किसको रेफरेंस चुने, वो 1U होता है। ये 1U की वैल्यू थी 1/12 मास ऑफ C12 एटम। या पूछा एक मोल थोड़ी देर पहले, तो बच्चा किसी भी सब्सटेंस का ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास 1 मोल होता है, वही तो लिखा था यहाँ पे। एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो, वही 1 मोल है, यानी कि सही आंसर है। कोई बात नहीं, इसको आज 2-3 बार रिवाइज करना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत डिफिकल्टी है, उसी के आगे तो जीत है। मैम का काम यहाँ पे आपको समझाने का खत्म हो जाएगा, एक बार में मंत्रा नहीं है कि मैंने फूका और आपको आ गया। जब तक आप खुद से लगाने नहीं बैठोगे क्वेश्चंस और ये नहीं सोचोगे मैम ने क्या बोला था, रिवाइज नहीं करोगे नोट्स को एक बार, तो दिक्कत हो सकती है। पीयूष ऑल द बेस्ट, नलिन, प्रियल, टेजू, संगना, मंत्री जी, नव्या, विनीता, टेक केयर, कृपा, सुमित, awesome response, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा काम पूरा, हमें पता चल जाएगा कि आज का क्लास कैसा गया, रिस्पॉन्स कैसा गया। मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज, मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ऑल ऑफ दीज। ध्यान से करिए, ध्यान से देखिए, धीरेश नोट्स अपडेट हो जाते हैं विद इन 24 आवर्स। मैं जो भी लिखती हूँ ना वो अपडेट जाती है टीम तक, मैं उनको फॉरवर्ड करती हूँ, वो अपलोड करते हैं, ठीक है। जल्दी से आंसर दे दो, थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, आपको क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश की जा रही है जी। ओके, ये समझ आ गया। देखो मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल जो कि पहली स्टेटमेंट है, लेकिन 1 मोल के मास में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगाड्रो नंबर, यानी कि वो उसका मास भी है जिसमें एवोगाड्रो पार्टिकल हो। 1 मोल और एवोगाड्रो तो सेम ही है ना, ए और बी ऑप्शन सेम था बट लैंग्वेज अलग थी। 1 मोल के मास, 1 मोल का मास है एवोगाड्रो पार्टिकल का मास है, सेम ओनली। थर्ड इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, ये भी तो बताया, 1 मोल में कितना मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिख दो। तो तीनों सही है, बस लिखने का तरीका अलग था। सो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या से क्या हो गया क्वेश्चन तेरे ध्यान में।
ध्यान और दे दो फिर, ध्यान की कमी है मतलब. सो लास्ट मोमेंट पे नलिन जी क्या बाजी मारी है. नलिन दैट्स ऑसम. पीयूष प्रियल टेडू जी, फिर हमारे पास है विनीता, सुमित, महक, संगना एंड ऑल ऑफ यू. सिर्फ लीडर बोर्ड मैटर नहीं करता, आप लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करता है. स्टूडेंट्स आप सेशन में रुके, ध्यान से सुना, मेंटी अटेम्प्ट किया फॉर रिविजन ऑफ क्वेश्चंस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट दैट. स्टूडेंट्स अब देखिए और मोर कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वरना आज की क्लास अधूरी रहेगी. तो ध्यान रखिए आज की क्लास और नेक्स्ट क्लास इंटरकनेक्टेड है, तो अगली क्लास को देखना मत भूलिए. और अगली क्लास को देखने से पहले प्री रिक्वेस्ट, आपको क्या पूरा करना है कि आज की क्लास को रिवाइज करके आना है अच्छे से, करेंगे ना, प्लीज रिवाइज करके आना. और ये होमवर्क का क्वेश्चन है, होमवर्क रॉकेट्स दिखाते रहेंगे हम. मोर मास कैलकुलेट करना है कॉपर सल्फेट का, एक कॉपर एक सल्फर चार ऑक्सीजन है, सबके एटॉमिक मास को जोड़ दो, मॉलिक्यूलर मास उसके यूनिट चेंज कर दो, ग्राम पर मोल मोलर मास बन जाएगा. ठीक है, वंडरफुल, वेरी नाइस. धनश्री एक बार रिपीट पे पूरा रिप्ले करके देखना, नोट्स बनाना सब आ जाएगा. और वेदांतों के प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करने का सोच रहे हो तो लेट मत करो, क्योंकि टर्म वन का कोर्स इज जस्ट फॉर, अभी दिखाया था ना 6000 समथिंग समथिंग, तो 3 मंथ्स का है, यू कैन डेफिनेटली प्लान इट आउट. आप चाहो तो 1 मंथ का ट्रायल पीरियड लेके भी देख सकते हो, यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड, समझ आएगा, मजा आएगा. दीज आर द बैच डिटेल्स, तो आपके पास सारे सामने, और एजी मैम के बैचेस ही हैं. ठीक है, तो एजी प्रो भी लगा देना तभी डिस्काउंट मिलेगा. और सेशन को ध्यान से सुनने के लिए, रुकने के लिए थैंक यू सो मच. प्लीज अप्रिशिएट एंड शो योर लव बाय लाइकिंग द वीडियो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना है, पढ़ लो. एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना फॉर ऑल द अपडेट्स, ऑल द अपकमिंग वीडियोस. आज के लिए इतना ही बचा लोग, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी. बाय बाय.